दिल्ली में अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बजट को लेकर विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शाम ये दावा कर दिया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया है। अब बजट रोक दिया तो कोई वजह होगी, या फिर वाकई बजट रोका ही नहीं गया था, या कुछ प्रक्रियात्मक ऐसी गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से मंगलवार को बजट पेश नहीं हो सकता था। ये बात एक बहस का रूप ले चुकी है, और बहस इस बात पर है कि क्या वाकई दिल्ली में बजट रोका गया या नहीं रोका गया। तो जहां तक बात रोकने की है, निश्चित तौर पर देरी हुई है, रुका नहीं है। यानी जो बजट मंगलवार को पेश होना था वो बुधवार को पेश होगा, और वो क्यों हुआ उसके पीछे हमें तकनीकी कुछ समझ रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो पूर्ण राज्य की नहीं है। दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसको एक विशेष दर्जा मिला हुआ है, यानी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, अपनी सरकार है। और इसीलिए जब अपनी सरकार होती है तो उसको कुछ अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन पूरे अधिकार नहीं मिलते हैं। तभी अगर आपको बजट पास करवाना है, पेश करने से पहले उसको आपको उपराज्यपाल के पास भेजना होगा। निश्चित तौर पर उपराज्यपाल उसको उसी फॉर्म में, यानी जिस शक्ल में भेजा गया है बजट, उस शक्ल में ही पास कर सकते हैं और कह सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक है और आप इसको विधानसभा में बिल्कुल पेश कर दीजिए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अलग हटकर क्या हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस पर चार बिंदुओं पर सजेशन दे दिए, सुझाव दे दिए, और कहा कि इन सुझावों पर आप गौर करें। जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उसमें यह था कि जो दिल्ली का कैपिटल आउटलेट है, कैपिटल वो बजट होता है जो दिल्ली के विकास कार्यों पर लगाया जाता है, उस पर कहा कि महज 20-22% आप खर्च कर रहे हैं टोटल बजट का विकास कार्यों पर, ज्यादा खर्च होना चाहिए। अगर उसमें लोन रीपेमेंट को आप हटा देंगे तो लगभग बजट बस महज 16% है जो कि विकास कार्यों पर खर्च होगा। तो इस पर उन्होंने चिंता जताई। दूसरी चिंता थी कि आप लोन ले रहे हैं और 10,000 करोड़, तकरीबन लगभग 10,000 करोड़ का लोन है, और उसको भी आप विकास कार्यों में नहीं लगा रहे हैं बल्कि आप उससे और अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। तीसरा जो पहलू था वो पहलू था विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन पर कहा कि आप 500 से ज्यादा करोड़ खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल यानी जो अभी साल चल रहा है उसमें लगभग 250 से थोड़ा अधिक खर्च हुआ है, तो आप इतना ज्यादा बजट क्यों रख रहे हैं विज्ञापन पर, जब आप खर्च कर नहीं पाते हैं। आप विज्ञापन पर डाल तो देते हैं इतना अमाउंट, लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाते, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी, जैसे आयुष्मान योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें दिल्ली को बहुत ज्यादा पैसा हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको कुछ विशेष अधिकार हैं और उसमें शेयर दिल्ली को बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है। इसीलिए आप उन योजनाओं को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जिसमें आपको बाकी राज्यों की तुलना में शेयर कम देना पड़ता हो। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई दिल्ली में बजट को पेश करना इतनी टेढ़ी खीर है। जी हाँ, बिल्कुल टेढ़ी खीर है, क्योंकि दिल्ली को, जैसे मैंने बताया कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित अभी राज्य का दर्जा नहीं है, इसीलिए केंद्र के पास भेजना जरूरी है। अब क्या हुआ इस पूरे बजट के मामले में? मामला यह हुआ कि आमतौर पर बजट जब एक बार उपराज्यपाल मंजूरी देते हैं तभी उसको फाइनल माना जाता है और तभी बजट की तारीख तय की जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहले बजट की तारीख तय कर दी गई कि 21 तारीख को, 21 मार्च को बजट पेश करना है, उसके बाद उपराज्यपाल को आपने बजट का प्रारूप भेजा, उस पर 9 मार्च को उपराज्यपाल ने जो सुझाव मैंने बताए, जो सुझाव थे उनके साथ उन्होंने वापस भेज दिया, 4 सुझावों के साथ उन्होंने वापस भेज दिया। तो 9 मार्च को जब वो सुझाव के साथ वापस भेजा तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं, हम आपके सुझाव को नहीं मानते हैं। और जब दिल्ली का नियम है कि जब उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में सहमति नहीं होती है तो ऐसे विवादित वस्तुओं को, ऐसे विवादित विषयों को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति के पास इसलिए भेजा जाता है क्योंकि दिल्ली, जैसा मैंने बताया, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो भी जहां पर भी विवाद होगा वो राष्ट्रपति सुलझाते हैं। राष्ट्रपति यानी उन्होंने पावर डेलीगेट की हुई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय के पास वो बजट का प्रपोजल जाना होता है।
तो चूंकि यहां पर विवाद हो गया था 9 मार्च के ऑब्जेक्शन के बाद, सजेशन के बाद, और दिल्ली सरकार उस सजेशन को नहीं मान रही थी, तो वो भेज दिया गया राष्ट्रपति यानी गृह मंत्रालय के पास, जहां से गृह मंत्रालय ने 17 तारीख को कहा कि आप कंसिडर करें जो उपराज्यपाल ने सुझाव भेजे हैं उनको। अब 17 से लेकर के 20 तारीख तक क्या हुआ, यही जो है पूरे विवाद का विषय है। दिल्ली सरकार कह रही है कि 17 तारीख को आ गई थी चिट्ठी, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में मुख्य सचिव और जो वित्त सचिव है उन्होंने प्रस्ताव को दबा करके रखा हुआ था। अगर वो दबा कर नहीं रखते तो 17 तारीख को ही वो पास कर देते। अब उन्होंने 20 तारीख को भेजा वित्त मंत्री के पास और मुख्यमंत्री के पास, और शाम को भेजा 6 बजे के आसपास, इसीलिए 9 बज गए। और 9 बजे जब भेजा गया तो उसमें 10 बजे उपराज्यपाल ने उसको फिर से वापस, जो उन्होंने जवाब दिया था, मान लीजिए कि जो जवाब देना भी जरूरी होता है क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी कहा था, तो 4 बिंदुओं पर जवाब दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया गया है। अब क्या जवाब दिया गया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जवाब देना जरूरी है क्योंकि गृह मंत्रालय अगर कहता है कि आपको जवाब दीजिए, उस सुझावों को कंसिडर कीजिए, तो दिल्ली सरकार को उन सुझावों को कंसिडर करना पड़ता है। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उन जो 4 बिंदु थे उन पर उन्होंने सुझावों को ध्यान दिया। इसीलिए अब जाकर के जब वो सुझाव वापस सुझावों के साथ उन्होंने जब जवाब दिया है तो उपराज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी, फिर मुख्यमंत्री को भेज दिया, मुख्यमंत्री ने फिर गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय ने फिर वापस उसको मंजूरी दे करके अब दिल्ली सरकार को भेज दिया है। और चूंकि अब दिल्ली सरकार को भेजा है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार है, वो अब बजट पेश करेगी। और इस तरीके से ये जो पूरा झमेला है वो इसी वजह से हुआ। अब बात मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, लेकिन आप माने न माने संवैधानिक तौर पर केंद्र सरकार की भूमिका बनती है, और केंद्र सरकार की भूमिका दिल्ली के की स्थिति में खास तौर पर इसलिए बनती है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार का शासन उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में चलता है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास अपने अधिकार हैं, उपराज्यपाल के पास अपने अधिकार हैं। उपराज्यपाल को कहा कि उनको कमेंट लिखने का अधिकार नहीं है, तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 का, उसमें ये बात जरूर है कि उपराज्यपाल उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं और सुझाव के साथ वो वापस लौटा सकते हैं। तो ये है अभी संवैधानिक व्यवस्था। अब इसमें कई सारी चीजें अभी अदालत में भी तय होनी है क्योंकि संविधान पीठ में उसकी सुनवाई होगी, और संविधान पीठ में जो भी सुनवाई होगी उसके बाद शायद व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा साफ होकर के हमारे सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल बजट पर जो बवाल है वो कम से कम खत्म हुआ है, लेकिन इसके आगे अधिकारों पर सवाल और अधिकारों की जंग जारी रहेगी।